हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज मैं कलर पेंसिल यूज़ करूँगा। इससे पहले मैं पेंसिल्स यूज़ कर रहा था, चारकोल पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके पोर्ट्रेट बना रहा था। अब मैं यूज़ करूँगा कलर पेंसिल। मैंने इसको गाइज कल ही बाय किया है, डोम्स की है पेंसिल, और काफ़ी अच्छा टेक्स्चर आता है इससे ड्राइंग के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सो गाइज, मेरे पास ये डोम्स के कलर हैं और 24 पेंसिल्स हैं इसमें, और इतने सारे इसमें कलर हैं। फ्री में शार्पनर भी इसके साथ है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा है ये। ओ वाओ, देखने में तो काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये होता है कि जितने भी इसमें कलर हैं वो सारे, कोई भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, फेस बना रहे हो, तो उसमें सारे मतलब यूज़ होते हैं, तो सारे कलर इसमें अवेलेबल हैं। और ये शार्पनर जो मैंने आपको पहले बताया था, ये भी इसके साथ है, काफ़ी अच्छा शार्पनर है ये। तो चलिए गाइस, इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं। और गाइस, मैंने यहाँ पे फिश ड्रॉ करी है, इसमें मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा कि किस तरह से इसमें ब्लेंडिंग होती है और किस तरह से इफ़ेक्ट आता है। सो लेट्स सी। सो गाइज, फाइनली ये कम्प्लीट हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, मैंने किस तरह से इसमें कलर किया और किस तरह से ये जो ग्रीन इफेक्ट आ रहा है ये किस तरह से दिया, और ये जो इसका टेक्सचर आ रहा है ये किस तरह से। और गाइज, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर अच्छा है तो आपका और अच्छा इफेक्ट आएगा। और इसमें आपको बताऊँ कि आप भी इसको एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छे कलर हैं, और जो है एक बार कोई भी पोर्ट्रेट में ट्राई करके देखो तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और गाइज, अब मैं इसमें ब्लेंडिंग करूँगा और आप देखना कि कितना टेक्सचर आता है। गाइज, मैं ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर यूज़ करूँगा, आप भी उसी को यूज़ करना तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। एज में मैंने नॉर्मल पेपर यूज़ किया है, अभी ये मैंने हार्ड पेपर यूज़ नहीं किया है तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से कलर का यूज़ करना है, और जो है ये सारे कलर का यूज़ करके एक बार मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से एक एक कलर का यूज़ कहाँ कहाँ पर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय।